नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश स्टार्टअप एंड आईटी पॉलिसी और प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो को इंट्रोडक्शन, पॉलिसी, प्रोजेक्ट्स, लेटेस्ट अपडेट, कंक्लूजन में बांटा गया है। वीडियो लंबी होगी, इसलिए इसके कुछ पार्ट्स फ्यूचर में अपलोड किए जाएंगे। दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक एमर्जिंग इंडस्ट्री है। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी के सहारे इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में एक बड़ा योगदान देती है। ये एक ब्रॉड इंडस्ट्री है जिसमें कई सारे सेक्टर्स हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हार्डवेयर डेवलपमेंट, टेली कम्युनिकेशन, डाटा मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी एटसेट्रा। आईटी प्रोफेशन वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे कि कंप्यूटर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, डिजिटल सिस्टम, इस पर काम करता है और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है ताकि कम्युनिकेशन स्थापित हो सके बिजनेस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, गवर्नमेंट जैसी फील्ड में। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सभी इंडस्ट्रीज या बिजनेसेस खुद को ज़्यादा एफिशिएंट और बेहतर करने के लिए काम करते रहते हैं, चाहे उनका सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो। जैसे समय आगे बढ़ता है वो इसको इम्प्रूव करते हैं और इन सब को इम्प्रूव करने में आईटी कंपनीज मदद करती हैं। आईटी इंडस्ट्री की ज़्यादातर जॉब्स को वाइट कॉलर जॉब्स कहा जाता है, जो कि इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छी मानी जाती है और इनकी सैलरीज भी ज़्यादा होती है। भारत में आईटी इंडस्ट्री के विकास की नींव आज़ादी के बाद ही रख दी गई थी। भारतीय शहर बेंगलुरु इसका हब रहा है। सरकार द्वारा 1970-80 में प्रयास बढ़ाए गए और ये जो दशक है 1970 से 1980 का दशक, ये सबसे महत्वपूर्ण दशक माना जाता है जब इंडिया के अंदर आईटी इंडस्ट्रीज के विकास में सरकार ने बड़ी भूमिका निभाई। इसके अलावा 1990 के दशक में भारत की आईटी सर्विसेज वर्ल्ड डोमेन में एक अच्छी पोजीशन होल्ड करने लगी। इसके अलावा भारत और अमेरिका के रिश्ते सुधारने में हमारी आईटी इंडस्ट्री का बहुत ही बड़ा योगदान है। वैसे तो भारत की जो आईटी इंडस्ट्रीज है वो लगभग सारे क्षेत्रों में बटी हुई है। इसका कुछ भाग उत्तर भारत में ऑपरेट होता है, कुछ भाग पश्चिम भारत में, कुछ भाग दक्षिण भारत में, और कोलकाता के अंदर भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज स्थापित हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन इनेबल टेक्नोलॉजीज की जितनी भी इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर सेटअप हैं, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज दिल्ली NCR, मुंबई, पुणे और दक्षिण भारत में स्थापित हैं। दोस्तों, अगर हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत की आईटी इंडस्ट्री में अंतर देखें तो इसमें कुछ विशेष अंतर निकल कर आते हैं। उत्तर भारत की आईटी इंडस्ट्रीज में दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम महत्वपूर्ण शहर हैं और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज यहीं पर सिमटी हुई हैं। इसके अलावा चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ का भी योगदान है, लेकिन ये मिनिमल है इन शहरों के मुकाबले। जबकि अगर हम दक्षिण की आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो ये बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद में लोकेटेड है। और अगर हम इनकी ज्योग्राफी देखें तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है जो 1000 किलोमीटर से भी दूर है, आपस में ये काफ़ी दूर है। जबकि हम दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम का एरिया देखें तो ये 100 से 150 किलोमीटर के रेडियस में ही फैले हुए हैं। अगर हम इंडस्ट्रीज के लिहाज से देखें तो नॉर्थ के अंदर ज़्यादातर जो आईटी इंडस्ट्रीज हैं वो या तो मल्टीनेशनल हैं या वो बहुत ही बड़ी कंपनीज हैं। जबकि अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ साथ छोटी आईटी कंपनीज भी हैं जो कि लोकल एंटरप्रेन्योर्स ने स्टेब्लिश की है। इसके अलावा ये इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जैसे कंपनीज का ओरिजिन भी रहा है। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो दक्षिण भारत के अंदर आईटी कंपनीज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी एक्सपोर्ट पर ज़्यादा काम करती हैं, जबकि उत्तर भारत में आईटी कंपनीज का ब्रॉडर फोकस है। वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट और आईटी कंसल्टेंसी सर्विस पर काम करती हैं। अगर हम टैलेंट पूल की बात करें, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ हो, भारत के हर कोने में टैलेंट भरा हुआ है। लेकिन साउथ के अंदर ज़्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण जो यूथ है उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल पाता है एज वेल कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। स्टार्टअप की बात करें तो NCR रीजन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और वो बेंगलुरु को टक्कर दे रहा है और कुछ फिनेंशियल ईयर में उसने बेंगलुरु को ओवरटेक भी कर दिया था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, अगर हम नॉर्थ और साउथ की बात करें रीजन वाइज, तो अभी भी नॉर्थ साउथ से थोड़ा पीछे है, क्योंकि उत्तर भारत के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं वो लिमिटेड है इन ही रीजन्स में, जबकि दक्षिण भारत में जो स्टार्टअप्स हैं वो हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु के अंदर फाउंड होते हैं, जो कि काफ़ी डाइवर्सिफाई है। ये आंकड़े हमें ये बताते हैं कि उत्तर भारत के अंदर आईटी इंडस्ट्रीज का डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। यहाँ पर अभी आईटी इंडस्ट्री सिकुड़ी हुई है। चलिए हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने डेटा में देखा कि उत्तर भारत के अंदर जो आईटी इंडस्ट्री है वो सिकुड़ी हुई है, उसका जो जियोग्राफिकल एरिया है वो काफ़ी छोटा है। अकॉर्डिंग टू प्रिंट, यूपी की GDP में आईटी एंड इनेबल सर्विसेज का योगदान
करीब 6.93 बिलियन डॉलर्स है, जो कि सरकार आने वाले 5 सालों के अंदर 74 बिलियन डॉलर्स करना चाहती है। और अगर अभी हम वास्तविक स्थिति देखें तो ज़्यादातर आईटी इंडस्ट्रीज नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ यहीं पर सीमित है। यहाँ पर प्रॉपर हर रीजन में आईटी इंडस्ट्रीज के डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आईटी एंड आईटी से संबंधित जो इनेबल सर्विसेज हैं इसके एक्सपेंशन करने के लिए पॉलिसी को अपग्रेड किया था। सबसे पहले यूपी की आईटी एंड स्टार्टअप पॉलिसी 2016 में लाई गई थी, वहीं 2017 के अंदर इसके अंदर पहली बार अमेंडमेंट किया गया था, वहीं 2020 के अंदर फिर इसमें अमेंडमेंट किया गया। और 2020 का जो अमेंडमेंट है इसमें काफ़ी सारे परिवर्तन किए गए थे। स्टार्टअप पॉलिसी 2020 के तहत जो अमेंडमेंट किए गए थे उसका एम स्कूल लेवल पर एंटरप्रेन्योरशिप को इम्प्रूव करना था। इसके अलावा कॉलेज के अंदर ई सेल का डेवलपमेंट करना था, इनक्यूबेटर्स को प्रमोट करना था, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को डेवलप करना था। इनक्यूबेटर्स एक बहुत ही बड़ा ऑफिस स्पेस होता है जहाँ पर कई सारे स्टार्टअप ऑपरेट करते हैं। स्टार्टअप्स के लिए जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम हो या फिर मीटिंग रूम हो या फिर उनके लिए पीसी का अरेंजमेंट हो या फिर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हो, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो, लगभग सारी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ इनक्यूबेटर्स के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा इनक्यूबेटर्स में कुछ एक्सपीरियंस लोग होते हैं जो स्टार्टअप की इनिशियल डेवलपमेंट में काफ़ी मदद करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सरकार के करीब 6 गोल थे इस पॉलिसी के तहत, जिसमें पहला गोल ये था उत्तर प्रदेश को इंडिया के टॉप 3 स्टेट्स के अंदर लाना है स्टार्टअप्स के मामले में। इसके अलावा 100 इनक्यूबेटर सेटअप करने हैं, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक इनक्यूबेटर सेटअप करने का प्लान था। तीसरा ये था कि ये जो इनक्यूबेटर सेटअप किए जाएंगे ये 1 मिलियन स्क्वायर फीट में सेटअप किए जाएंगे। इसके अलावा जो भी इनक्यूबेटर सेटअप किए जाने थे यूपी के इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स को 2 लाख इंडियन पेटेंट और 10 लाख इंटरनेशनल पेटेंट पर देने की बात की गई। इसके अलावा यूपी के स्टार्टअप्स को 50,000 नेशनल इवेंट पार्टिसिपेशन और 1 लाख इंटरनेशनल इवेंट पार्टिसिपेशन पे देने की बात की गई। वुमेन, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग, अगर ये स्टार्टअप के को फाउंडर है और इनके पास 26% इक्विटी है तो इनको 50% ज़्यादा सब्सिस्टेंस अलाउंस और सीड कैपिटल देने का भी प्रावधान किया गया था। 50% एडिशनल इंसेंटिव अगर ये एंटरप्रेन्योर पूर्वांचल बुंदेलखंड जैसे रीजन से हैं। इसकी नोडल एजेंसी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन और डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स थी। इसके अलावा यूपी की जो इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी थी उसमें भी 2022 में अमेंडमेंट किया गया था। इसके तहत आईटी सिटी और आईटी पार्क का प्रावधान किया गया था। वैसे दोस्तों आईटी पार्क्स पहले भी यहाँ पर सेटअप हुए हैं। एसटीपीआई और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर बरेली, गोरखपुर, वाराणसी और आगरा के अंदर आईटी पार्क डेवलप कर रही है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अपडेट देखेंगे। इसके अलावा एसटीपीआई के आईटी पार्क्स गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट, लखनऊ, कानपुर, मेरठ और प्रयागराज में ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी आईटी पार्क सेटअप करता है तो उसको 25% की सब्सिडी मिलेगी अप टू 20 करोड़। रिक्वायरमेंट ये है कि ये आईटी पार्क 15,000 स्क्वायर मीटर के अंदर फैला होना चाहिए। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई आईटी सिटी सेटअप करता है तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि करीब वो 100 से 500 एकर्स में सेटअप करे और उसको 25% अप टू 100 करोड़ तक की सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और अगर कोई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करता है तो करीब उसको 50% इंसेंटिव स्टेट गवर्नमेंट देगी, जो कि अप टू 10 करोड़ है। तो दोस्तों ये था सब्सिडी का प्रावधान जो कि गवर्नमेंट कर रही है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद रीजन में कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको मिनिमम 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा, 3,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी होगी, तभी उसे इंसेंटिव मिलेगा। जबकि रेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में अगर वो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा और 1,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा उसको तब भी इंसेंटिव मिल जाएगा। ये ऐसा इसलिए किया गया था कि और भी रीजन में निवेश आए आईटी एंड आईटी सेक्टर्स के क्षेत्र में। यूपी गवर्नमेंट की 2023 में जो पॉलिसी में अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत एक रिपोर्ट जोन 2023 में आई थी कि सरकार चाहती है कि 5 सिटीज़ को यूपी के अंदर आईटी हब के रूप में डेवलप करना। अब दोस्तों जब मैं आईटी हब के रूप में बात कर रहा हूँ तो इन शहरों में फोकस करके यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आईटी कंपनीज़ को अट्रैक्ट करना। तो इनमें जो शामिल सिटीज़ थी उसमें कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ शामिल था। कानपुर के अंदर रोबोटिक्स, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का हब बनाना, वाराणसी और प्रयागराज को इंजीनियरिंग टैलेंट के लिए डेवलप करना,
क्योंकि यहाँ पर BHU, MNIT, IIIT प्रयागराज समेत कई सारे बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं। इसके अलावा कानपुर के अंदर भी IIT कानपुर है और लखनऊ के अंदर भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं, तो इसलिए इन सारे क्षेत्रों को इस प्रकार से डेवलप करने का प्लान था। वहीं UP गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के सभी 18 डिविजन्स में एक IT पार्क सेटअप करना चाहती है। IT पार्क का जो एरिया होता है वो 2.5-3 एकर्स के अराउंड होता है, वहीं पर सेटअप किया जाता है और उसके अंदर इंक्यूबेटर सेंटर ये सब सेटअप करा जाता है। दोस्तों आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि सरकार का जो प्लान था वो IT इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाई करना था, प्लस कुछ रीजन्स को चुनना था जहाँ पर बड़ी IT कंपनीज भी सेटअप करती, छोटे शहरों से टैलेंट पूल को बड़े शहरों पर लाया जाता, इसके अलावा स्किलिंग में भी सरकार सब्सिडी देगी प्रावधान किया गया था। अगर दोस्तों आप चाहेंगे कि IT एंड इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसीज में जो अमेंडमेंट किए गए थे 2022 के अंदर, उसमें बहुत ही डिटेल्ड वीडियोस लाना, तो उस पर भी मैं वीडियोस ला सकता हूँ। ये अभी बहुत ही सरफेस इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। इसके अलावा एक ग्रीन फील्ड IT सिटी वेस्टर्न सेंट्रल बुंदेलखंड और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में डेवलप करने का प्लान है अपकमिंग 5 ईयर्स के अंदर। तो दोस्तों ये सारे प्लान हैं गवर्नमेंट के। वो IT पार्क्स भी सेटअप करना चाहती है, इसके अलावा इंक्यूबेटर सेंटर भी सेटअप करना चाहती है और IT सिटी भी सेटअप करना चाहती है। इसके संबंध में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आएगा वो मैं आपको दूंगा। दोस्तों यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, हालांकि अगर हम देखें तो ये जो डेवलपमेंट वर्क है इन पर काफ़ी धीमा है, लेकिन फिलहाल इस पर सरकार काम कर रही है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर यह है कि जैसे कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर टैलेंट पूल की भी कमी नहीं है। बड़े सेंट्रल इंस्टीट्यूट भी सेटअप किए गए हैं। अब यहाँ पर जरूरत है कि स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खोले। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं जरूर इस पर कमेंट करें। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।